तो भाई मैं आज मैं लिटरली फंस चुका हूँ, कोई भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ। देख लो सेम जो है मेरे साथ एंजल में भी हुआ। ऑलरेडी 99% लॉस कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसा ग्लिच आ जाए। लिटरली फंस चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? अभी आप जस्ट देखना, मैं यहाँ पे जो मेरी पोजीशंस है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, और अभी मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी ऑर्डर एग्जिट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे पेंडिंग में कुछ पड़ा हुआ है क्या? पेंडिंग में कुछ भी नहीं पड़ा है। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऑर्डर को एग्जिट करता हूँ, मैं स्क्वेयर ऑफ करता हूँ इस लेग को। अभी बता रहा है कि ऑर्डर हैज बीन प्लेस, बट अभी आप देखोगे तो मेरे तीन ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन थे ना, तो कोई भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, कोई भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ। देख लो, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हुआ। ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो पोजीशन है वो अभी भी पेंडिंग वही वैसे की वैसी है। ये जो ग्लीच है, इस तरीके से जब ग्लीच आते हैं तब बहुत बड़ा दिक्कत होता है। ये बहुत टाइम बाद फेस करने को मिला, बट ये बहुत ही वाहियात है जो कि ये हुआ है। अभी फिनवेशिया के अंदर हुआ है ये। अभी आप देखो, मैं फिर से इसे पूरा का पूरा पोजीशन जो है एग्जिट करने का ट्राई करता हूँ। अभी देखो, पूरा पोजीशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, एग्जिट हुआ है। बट अभी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं है, ठीक है? कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, और मेरा जो ऑर्डर है वो भी एग्जिट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लिच बहुत ही बकवास है जो कि फिनवेशिया के अंदर हुआ है, और ये बहुत ही वाहिया तरीके का ग्लिच है। मैं लगातार रिफ्रेश करते रह रहा हूँ, बट फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। और आगे अगर ऑर्डर में जाके देखो तो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा नहीं हुआ है कुछ भी, बट अगर यहाँ पे जाके देखे तो यहाँ पे ये जा ही नहीं रहा। मैं ट्राई करता हूँ इसे निकालने का, बट ये निकल ही नहीं रहा है। अभी अगर मैं कोई भी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ भी करता हूँ, स्क्वेयर ऑफ किया, सबमिट किया, फिर भी देखो, ठीक है? अभी देखो पोजीशन वैसे की वैसी है। देखो 48200C वैसा का वैसा है। अभी देखो 48000 का पी करके देखते हैं, स्क्वेयर ऑफ सबमिट, ठीक है? पोजीशन वैसी की वैसी पोजीशन पड़ी हुई है, ठीक है? कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही अभी ये प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है। तो अभी आप ही लोग बताओ, पोजीशन जो है वो ऑन है, ना ही स्टॉप लॉस है इस पोजीशन को, ना ही कुछ है। अभी इस पोजीशन में करना क्या चाहिए? अभी जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेगा? अभी ऐसे पोजीशन में वो बेचारा फंस जाएगा बीच में और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको क्या ही करना चाहिए? अभी अगर ऐसे पोजीशंस के टाइम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता है, ऐसे टाइम पे कोई नहीं बनाएगा किसी के रिलेटेड वीडियो। और ऐसे देखो, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये अगर आप देखो ना, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये मैं जो पोजीशन है वो कोई भी एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ये ग्लिच हो गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी इसके रिलेटेड जो पोजीशंस है वो अपोजिट पोजीशन मुझे दूसरे ब्रोकर अकाउंट में डालने पड़ेंगे। अगर इनकेस मेरे पास दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो मैं अभी क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है? ये ऐसी प्रॉब्लम के टाइम मैं क्या करूं? तो अभी लाइक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए। बट 48200 का जो पी है यहाँ पे, मैं इसको दूसरे इसमें बाय कर सकता हूँ, यही एक ऑप्शन है। और जो 48200 का सी है मैं दूसरी तरफ बाय कर लूंगा, और 48000 का पी है जो मुझे बाय करना होगा, इससे ये पोजीशन जो है हेज हो जाएगा। तो ये चीज मुझे करनी पड़ेगी, बट ये मैं नहीं करना चाहता, और ऐसे एरर्स नहीं आने चाहिए जो कि आ रहे हैं। पोजीशन जो है वो स्क्वेयर ऑफ नहीं हो पा रही है, और ऐसे ब्रोकर्स को नहीं करना चाहिए अगर वो लोग टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो। और अगर वो लोग नहीं ठीक से प्रोवाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग अभी ट्रेड देखो पोजीशन एग्जिट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लोगों को अपना जो ब्रोकर है वो बंद कर देना चाहिए। ऐसे तरीके के ब्रोकर्स उनको चलाने भी नहीं चाहिए, और किसी ने नहीं चलाने। और ये सारे ब्रोकर्स के अंदर आ रहा है एरर। ये जो आज हुआ वो मेरे साथ एंजल वन के अंदर भी हुआ, ठीक है? तो अभी जो मेरे पोजीशन है वो एग्जिट हो चुके हैं, एंड फिलहाल तो मैं बच गया, ठीक है? मैं बच गया, बट बहुत सारे लोग बेचारे फंस जाएंगे। जो लोग स्टार्ट कर रहे होंगे वो लोग फंसे होंगे, और उन लोगों को दिक्कत होगी। अभी ऑप्शन सेलर्स को, बाकी जो ऑप्शन सेलर्स है उन्हें पता नहीं होगा कि उसकी उस पोजीशन में करना क्या चाहिए। मेरे को पता था, बट दूसरे लोगों को शायद से नहीं पता होगा। तो ऐसी चीजों के अगेंस्ट लोग, यार आप लोग बोलो, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बड़े हैं और जिनका अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ एक्शन लो, ठीक है? इन टॉपिक्स के ऊपर मेनली एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स, ये जो सारी चीजें होती है, इन ग्लिच में जो पैसा बर्बाद होता है, पैसा लॉस होता है, उसका क्या करेगा बंदा, ठीक है? जो इसके अंदर, इन सारे ग्लिच के अंदर लॉस होता है पैसा। सेम जो है मेरे साथ एंजल में भी हुआ आज, सेम टू सेम ग्लिच मेरे साथ एंजल में भी हो गया, ठीक है? एंजल वन का अकाउंट में ग्लिच होना, यानी कि वो तो फिर अभी इतना सारा ब्रोकरेज पे करके मैं भर भर के ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर भी ग्लिच आया, तो ये तो गलत बात है यार। ये इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, और ऐसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बट क्या करे क्या?
और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी मुझे बताना पड़ेगा, उनको अपोजिट जिनका नहीं निकला है उनको, तो मैं जल्दी से वीडियो बंद करता हूँ और मैं पहले मेरे स्टूडेंट्स को अवेयर करता हूँ। तो भाई मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो प्रॉपरली इससे एग्जिट हो चुके हैं, पोजीशंस वगैरह एग्जिट हो गई है उनकी। बट मैं अभी इस सिचुएशन में करना क्या होता है मैंने उन लोगों को सिखा दिया, बट मैं आप लोगों को भी इस ऐसे सिचुएशन में सिखाना चाहता हूँ। अभी ऐसे सिचुएशन यानी कि कैसा मैं बताता हूँ। मेरा जो ब्रोकर है वो बंद पड़ चुका था, पोजीशंस के जो स्टॉप लॉस है वो पेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे स्टॉप लॉस होते हैं तो वो निकल चुके थे और स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था उसके अंदर, ठीक है। तो और वो पोजीशन ना ही स्क्वायर ऑफ हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था उस पोजीशन, और मार्केट जो है उस तरीके से वायलेंटली नहीं मूव कर रहा है, मार्केट एकदम स्टेबल है। बट अगर इन केस में अगर फ्रीक ट्रेड आता है, जैसे कि फ्रीक ट्रेड आपने देखे हो मिड कैप निफ्टी के अंदर आया, सेंसेक्स के अंदर आया, आपने ये जो फ्रीक ट्रेड्स है उनके अंदर आप नहीं बच सकते अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो, क्योंकि उसके अंदर कोई तरीका नहीं है बचने का विदाउट, अगर आपके पास हेज नहीं है पहले से पड़ा हुआ। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो स्टॉप लॉस जंप हो जाता है फ्रीक ट्रेड के अंदर और आपका लॉस 15-20 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट मैं जिस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि अभी वाला सिनेरियो है, अभी वैसे सिनेरियो में क्या करना होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक मार्केट पे और मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको दिखाता हूँ कि करना क्या, जैसे कि मैंने अभी मेरे स्टूडेंट को दिखाया। अभी हम स्टॉक मार्केट पे हैं, अभी हम 24 अप्रैल का तो नहीं कर सकते इसलिए हम 22 अप्रैल का कर रहे हैं, और 22 अप्रैल के दिन हम फॉर एग्जाम्पल के लिए 10:16 पे और कभी भी कुछ भी हुआ हमारा पास एक पोजीशन पड़ा हुआ है जो कि एटीएम है 47700 का और इसके अंदर एक साइड पे अनलिमिटेड लॉस है। अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमने लगाया है पर ब्रोकर ले नहीं रहा, हिट नहीं हो पा रहा स्टॉप लॉस, तो अभी हम क्या करें? आप सभी का सॉल्यूशन यही, जो पुट आपने सेल किया है उसी पुट को बाय कर लो। अभी जब बाय नहीं किया था इसे रिमूव करता हूं, पहले आप ऊपर देखो आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है सर 4400, आपका लॉस कितना है? अनडिफाइंड लॉस है आपका लॉस भर भर के, ठीक है। अभी इस भर भर के लॉस को नील कर दो, आपने जितना क्रेडिट्स लिए थे ठीक है उतने ही क्रेडिट्स आपने दे दिए और देखो जीरो, मैक्स प्रॉफिट भी जीरो और लॉस भी जीरो, यानी आपका क्या हो गया नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मिलेगा ना जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, लॉस जीरो हो गया, प्रॉफिट भी जीरो हो गया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ चाहते हो या कुछ ना कुछ लॉस भी करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, इसे रिमूव करो बाय का और ऊपर का पोजीशन एग्जैक्ट 1 स्ट्राइक पे अप जो भी सेल किया बाय कर लो, देखो ओके। तो आपका जो लॉस होगा 1:1 RR पे ये बैठेगा, बट यहाँ पे 1:1 RR पे नहीं बैठा है, बट ठीक है 1:1 के आसपास ही बैठेगा ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1:1 के आसपास में ये बैठा है। बट आप ऐसा ना करते हो, मेरा सो भी सजेशन यही रहेगा कि इसे डायरेक्ट बाय कर लो जो मैं करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा पोजीशन थोड़ी देर पे एक्सिट नहीं, अगर नहीं होता ना, मैं तुरंत ये बाय कर लेता दूसरे ब्रोकर में जाके। कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल के समझो कि आपका 47,700 का जो कॉल है वो बाय किया हुआ है आपने, और 47 कॉल है जो सेल किया हुआ है आपने किसी और ब्रोकर में, यानी कि समझ लो जैसे मेरे साथ फिनवेशिया में हुआ, फिनवेशिया में आपने सेल किया हुआ है और आपके पास है जीरोधा का दूसरा अकाउंट या आपके पास है धन का या कोई भी दूसरा अकाउंट है, तो आप उस दूसरे अकाउंट के अंदर सीधा वही पोजीशन बाय कर लोगे। जैसे ही आप बाय करते हो तो आपका जो पे ऑफ ग्राफ है वो नील हो जाता है, यानी कि आपने जितने क्रेडिट आपने लिए थे उतने क्रेडिट्स आपने दे दिए। सो सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है, सेम ट्रिक मैं मेरे इसमें अपनाता हूँ जब भी ऐसा कुछ भी सिनेरियो होता है। अभी फ्रीक ट्रेड्स जो है बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा नहीं होती क्योंकि उसके अंदर भर भर के लिक्विडिटी है, तो उसके अंदर तो कभी मोस्ट बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है, बट उतना रिस्क लेना हमें जरूरी है। बट बाकी जो इंडेक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उनके अंदर जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम है। और अभी जो आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट अभी मतलब जो भी कर रही है, लाइक कि जो अभी इंडेक्स आ रहा है 24 अप्रैल जो आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आपको जीरो ब्रोकरेज वगैरह का जो दे रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरे लिए कितना बढ़िया हो रहा है, ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जीरो ब्रोकरेज लगेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं ठीक है, कभी भी रिटेल पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया जाता इस स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बात पहले से ध्यान में रखो। रिटेल पब्लिक को सिर्फ लूटा जाता है, तभी जाके इन लोगों की जेबें भरेंगी। आपका जब तक नहीं लूटेंगे, हमारा जब तक कोई लोग काटेंगे नहीं तब तक इन लोगों की जेब नहीं भरेंगी। तो मैं ये आप लोगों को अलग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बट ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बहुत ये लगता है कि मेरे लिए किया गया है भाई, बहुत बढ़िया है, मैं जाके उसके अंदर ट्रेड करता हूँ, उसके अंदर जाते से ही आपके वाट लगा देंगे। आपको क्या लगता है, आपको वहां पे देखो कैसे होता है ना, बकरे को है ना काटने से पहले ना उसको खिलाया पिलाया जाता है, अच्छा रखा जाता है, उसके बाद उसको पेल के काटते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका मजा लेते हैं। तो जो रिटेल पब्लिक है ना, ये बड़े लोगों के लिए वो बकरा है। तो ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्लियरली बोल रहा हूं, संभल के काम करो। बैंक निफ्टी है ना, उसके अंदर काम, ठीक है, जहां पे दूसरी तरफ आपको ऐसी
थाली परोस के दी जा रही है ना, इसका मीनिंग है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी वाट लगाने के लिए और एक इंडेक्स लाया गया है, ऑलरेडी 99% लॉस कर रहे हैं। उसके अंदर क्यों वो लोगों ने फ्री किया है ब्रोकरेज, क्यों किया है? क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि बैंक मिड कैप में वैसा इशू हुआ, उसके अंदर वो नहीं चाहते, उसके अंदर ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं और उसके अंदर फिर वो और ज्यादा ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके अच्छे के लिए नहीं हो रहा या हमारे अच्छे के लिए नहीं हो रहा, रिटेल ट्रेडर्स, मैं भी रिटेलर हूँ, किस कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो जो लग रहा है ना जिसको भी कि ब्रोकरेज हट जाएगा उधर तो मेरे लिए अच्छे, ना भाई, तुम्हारी वाट लगा देंगे वो। ठीक है, तुम लोग अभी जो लोग नए आए हो वो लोग संभल के ट्रेड किया करो। स्टॉक मार्केट ना 99% अभी भी रिस्क कीजिए, ठीक है, अगर तुम्हें आ भी गया होगा तभी तो प्लीज थोड़ा सा संभल के काम करो। आज मैंने जैसे तैसे अपना पोजीशन जो है वो बचा लिया है, मेरे स्टूडेंट्स का भी मैंने बचा लिया, क्योंकि उनके लिए मैं ही मेंटर हूं और वो बेचारे डर जाएंगे और हर एक डर जाएगा, हर एक बंदा डरता है ऐसे सिचुएशन में। मेरे साथ 2023 में जब मेरे साथ ग्लिच हुआ था 3-4 बार, तो उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, बट आज मैं उनके साथ हूँ तो मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। वो लोग जैसे ही कॉल करते हैं मैं तुरंत उनको आंसर किया, सभी के साथ अभी जस्ट तुरंत मीटिंग लिया मैंने और मीटिंग लेके वो सारा कुछ सॉल्व उनको बताया भी कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। बाकी फ्री ट्रेड्स एंड ऑल, उसके लिए तो हम जो एक दूसरा हेज पोजिशन लेके रखते हैं वो हमें कुछ हद तक बचा देगा, हमारे अकाउंट्स वगैरह वाइप आउट नहीं हो पाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि ऐसी पोजीशन में क्या करना है। तो अगर स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस आपका नहीं ले रहा है, स्टॉप लॉस निकल चुका है, तो तुरंत वही जो सेल किया वो पोजीशन है वो बाय कर लो, या वन स्ट्राइक प्राइस बाय कर लो, जिससे कि वो पोजीशन जो है हेज हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखा दी है। तो जब भी ऐसा कुछ हो दूसरे ब्रोकर के अंदर अपना पैसा रखो हमेशा। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर थे इसलिए मेरे पास तुरंत तरीका था, मैंने अभी मेरे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि सभी लोग एक एक अलग ब्रोकर रखो जिसके अंदर और थोड़ा पैसा डाल के रखो, जिससे कि आप एटीएम ले पाओ, मतलब कोई भी आपको पोजीशन पड़ा हो आप एटलीस्ट वो ले पाओ, तो इतना पैसा आपके पास रखो। तो साइड में क्या अभी यार, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन के लिए ऐसे ब्रोकर्स को या टर्मिनल्स को जिनके अंदर ग्लीचेस होती है ना उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो यार ऑलरेडी जैसे तैसे 1% प्रॉफिटेबल में आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर ऐसा ग्लीच आ जाए तो फिर यार लानत है ऐसे मतलब ब्रोकर्स पे। इतनी मेहनत करने के बाद जैसे तैसे प्रॉफिटेबल बनता है बंदा और उसके बाद ऐसे ग्लीचेस लाते हो। अभी आपको मैं सेम इसमें मेरा एक जो अकाउंट है उसका पीएनएल दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा ना एक अकाउंट है उसका मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो आपके सामने करता हूँ, यहाँ पे देखो बैक ऑफिस पे जाता हूँ, मैं ना 2023 का एक अकाउंट का पीएनएल दिखाता हूँ आपको। मेरा जो एक अकाउंट है उसका मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, ये अकाउंट आपको पहले दिख रहा होगा मेरे ओल्ड वीडियोस के अंदर, और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर यही अकाउंट का पीएनएल मैंने दिखाया हुआ है। ये अकाउंट जो था मैंने 2023 में ओपन किया था, और इस अकाउंट के अंदर मेरा 2022 के दिसंबर में ओपन किया था, 29 दिसंबर के आसपास मैंने इसके अंदर फर्स्ट ट्रेड डिप्लॉय किया था। और इसके बाद फिर इसका मैं ना आपको डेरिवेटिव पीएनएल रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे। सो इसका मैं आपको डेरिवेटिव पीएनएल रिपोर्ट दिखाता हूँ 2023 का। हम यहाँ पे 2023 सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो ये जो है फिनवेशिया का वेबसाइट है, ठीक है, वेरीफाइड वेबसाइट है इनका। तो मैं इसके ऊपर से जाके फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद 2023 पे सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो दिसंबर, ठीक है, अभी 29 दिसंबर से लेके ये कब तक का दिखा रहा है, ये 2023 का चौथा महीना तक दिखाएगा। क्यों दिखाएगा चौथे महीने तक, क्योंकि तब से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। ये देखो 29/3/2023 इसका लास्ट ट्रेड है, ठीक है, इसका लास्ट ट्रेड कब है, इसके अंदर कितना प्रॉफिट बना है 23,000, यानी कि 4 महीने के अंदर मैंने 3 महीने के एंड तक मैंने 23,000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 200,000 रुपए पे। अभी मैं आपको उसके बाद कितना प्रॉफिट बना 2023 से लेके, ये देखो ऊपर देखो डेट देखो 3/1 तो 4, इसके अंदर दिसंबर 2023 दिसंबर में मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया था। अभी देखो 61,000 यहां पे, तो मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट बनाया, 61,000 ये और 80,000 वो, सॉरी 23,000, सो 85,000 के अराउंड मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बनाया है। अभी ये 85,000 बनाने में ना आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने 85,000 बहुत इजीली बना ली? नहीं, अभी ये 85,000 नहीं थे, ये जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो 70% था, यानी कि 130,000 135,000 के आसपास मैं पहुंच चुका था इस अकाउंट के, 140,000 के आसपास मैं पहुंच चुका था इस अकाउंट पे, जो वो चार वो जो 3 महीने उसके अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न बना था। अप्रैल महीने के अंदर क्या हुआ कि इस ब्रोकर ने 5 से 6 बार ग्लिच किया लगातार, और उस वजह से जो मुझे दिक्कत आई उसमें मेरा लॉसेस हुए, कुछ लॉसेस हुए, और उस वजह से मेरा प्रॉफिट उसके अंदर कम हुआ। बट फिर भी मैं जैसे तैसे इस अकाउंट को बहुत ही अच्छे अमाउंट पे
क्लोज करने का मैंने ट्राई किया, जो कि मैंने इसको क्लोज किया है 40% के आसपास मैंने इसको क्लोज किया है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। इतने सारे ग्लिचेस से जाने के बाद मेरा एक दो बार पोजीशन जो है उन्होंने इंटरडे के पोजीशन डायरेक्टली पोजिशनल कर दिए थे, मतलब कि उसको स्क्वेयर ऑफ ही नहीं करने दिया, सीधा दूसरे दिन तक होल्ड, उस पोजिशन को ये लोग काटते तक नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट दूसरे दिन तक होल्ड किया उस पोजिशन को और उसको पोजिशनल बना दिया। और फिर मैंने उसको दूसरे दिन जाके उस पोजिशन को काटा है, और उन चीजों की वजह से मैंने सीखा हूँ कि कैसे, मतलब मैं देखो जो भी चीजें सीखा हूँ ना मैं प्रॉब्लम्स को फेस करके सीखा हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा ईयर का पीएनएल दिखाया, मैंने अब तक ईयर का ऐसे पीएनएल नहीं दिखाया कि कभी भी, ठीक है, मैंने ये पूरा एक साल का 2 लाख रुपए के अकाउंट के ऊपर का पीएनएल दिखा दिया आपको। 2 लाख रुपए का अकाउंट है, हर किसी को पता है, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स है ना सभी को पता है, जब मैं डिजिटल ब्लॉगर पे आया था स्टार्ट से मैंने सबसे पहला वीडियो यही डाला, सबसे पहला वीडियो पीएनएल का इसी अकाउंट का डाला था, और तभी मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट पे था मैं 6 महीने के अंदर ही। बट उसके बाद मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आया ग्लिच की वजह से। बट फिर भी मैं 40% क्लोज करने के लिए कामयाब रहा, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है 2023 के हिसाब से, जो कि सबसे वाहियात साल, बट फिर भी हम अच्छा रिटर्न बनाने में कामयाब हुए, और मेरे लिए बहुत अच्छा साल था वो। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बुरा था, ऑप्शन सेलिंग लाइक बहुत टफ था उस टाइम से, पर उस टाइम में मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, और आप लोगों को मैंने मेरा जो पीएनएल है वो आप लोगों के सामने अकाउंट को ओपन करके दिखाया है। जो लोग बोल रहे थे कि मेरा पीएनएल भाई साहब मैंने दिखा दिया, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना उनका भी पीएनएल में दिखाता हूँ क्लियरली, क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि है भाई हम प्रॉफिटेबल हैं, हम कमा सकते हैं और हम कमाने वाले बना भी सकते हैं, और मैंने बनाया है और वही मैं दिखाता हूँ। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है ऊपर नंबर दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज का पीएनएल मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। आज का जो पीएनएल बनाया है हमारा प्रॉफिट वो दिखा देता हूँ, इतना सारा लफड़ा होने के बाद आज का पीएनएल तो आप देखो, आज का जो पीएनएल है वो देख के जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने प्रॉफिट बनाया है एक अकाउंट के अंदर 11,700 का, और जो दूसरा अकाउंट है हमारा उसके अंदर जो हमने प्रॉफिट बनाया है वो है 4,800 के आसपास कुछ है। ये प्रॉफिट अच्छा खासा रहता आज, बट ठीक है चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 4,843 रुपीज का ओवरऑल आज का प्रॉफिट हुआ है इस अकाउंट के अंदर, और मैं इन अकाउंट्स के भी पीएनएल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, हर महीने के अपडेट्स जो है मैं दे रहा हूँ, तो मेरे से जुड़े रहो और हर महीने के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज का ओवरऑल जो प्रॉफिट है मैंने दिखा दिया आपको। देखो भाई साहब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो, आज का दिन हो गया, खत्म हो गया। जिन लोगों के साथ भी ग्लिच हुआ है डोंट वरी, अवॉइड करो। देखो कितना भी मेहनत करो यार, देखो आप लोग कितना भी मेहनत करो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, और आज आप जो भी टेंशन ले रहे हो साला कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लफड़ा हो रहा है वो लफड़ा हो रहा है, ये साथ मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ वो हो गया, कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है, ये सब टाइम है, कुछ देर बाद टाइम निकल जाएगा और सभी लोग टपक जाएंगे, ठीक है। जो आप इतना टेंशन ले रहे थे ना वो टेंशन धरा का धरा रह जाएगा। सो जस्ट चिल, रिलैक्स, बुरा हुआ है कुछ देर बाद सही हो जाए, ठीक है। सो चिल करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। तो आज मेरे स्टूडेंट्स के पीएनएल देखो, देखे फिनवेश में तो ग्लिच था, बट फ्लैट ट्रेड और बाकी ब्रोकर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। तो ये देखो फ्लैट ट्रेड का पीएनएल धीरज का 3,061 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है धीरज को, जो कि 2% है इसके कैपिटल का। और मेरे जो एक स्टूडेंट है उनका प्रॉफिट देखो, इन्होंने इनका फिनवेश में अकाउंट है बट इनका ग्लिच नहीं हुआ था, आप इनका प्रॉफिट देखो 42,588 रुपीज। ये कितने कैपिटल के ऊपर कर रहे हैं, 10 लॉट कर रहे हैं 15 लाख के ऊपर। और इन्होंने लिखा भी है टुडे माय पोर्टफोलियो अगेन टच ऑल टाइम हाई, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाया है सारे। तो मेरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं, आज हमने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। हमारा ग्लिच आ गया, नहीं तो आज का जो नंबर था वो बहुत बड़ा रहता, ठीक है। आज का ओवरऑल नंबर 78,000 के आसपास था मेरा ओवरऑल प्रॉफिट अगर आज ग्लिच नहीं होता तो, बट फिर क्या कोई बात नहीं, 78,000 ग्लिच की वजह से, बट ठीक है कोई बात नहीं। हमारा अभी आज का डे तो ऐसे ही गया है बाकी, बट स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है कि स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाला है। धीरज भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में अभी, और अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है मेंटरशिप तो आप लोगों को पता है स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर एक मेरा भी पर्सनल नंबर है, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। नंबर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिया है 9309168603, इसके ऊपर कॉल करना, व्हाट्सएप नंबर नहीं है ये, डायरेक्टली कॉल करो और पूछ लो इसके ऊपर। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो 77 वाला नंबर है जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।